जिन लोगों का जन्मदिन 2 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि करियर और धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों की मृत्यु नौजवानी में बचपन में होती है तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु है, समय के पहले मर गया। क्या ऐसा होता है? देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज निश्चित समय से पहले या बाद में नहीं होती। सब कुछ पूर्व निर्धारित है और उसी के हिसाब से होता है। किसी की भी मृत्यु इस प्रकृति में अकाल मृत्यु नहीं होती, अपने निश्चित समय पर ही मृत्यु आती है। जिसके जितने प्रारब्ध का भोग, संस्कार का भोग रहता है, उसका समय जीवन में उतने ही समय तक चलता रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पड़ोसी के साथ हमेशा विवाद होता है, झगड़ा झंझट होता रहता है। तो अगर पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे करने हो तो क्या करेंगे, रोज सवेरे अपने घर के मुख्य द्वार पर कटोरे में, कलश में, पात्र में जल भर करके रखें। शाम के समय जब घर में धूप बत्ती जलाते हैं पूरे घर में दिखाएं और मुख्य द्वार पर भी दिखाएं। अपने मेन डोर पर जो नेम प्लेट है उसका रंग काले रंग का न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से तो आप देखेंगे कि आपके संबंध आपके पड़ोसी के साथ निश्चित रूप से बेहतर बने रहेंगे। देखिए, अपने घर में अपने पूजा स्थान की नियमित रूप से साफ सफाई करिए, वहां पर नियमित रूप से पूजा करिए और पवित्रता सात्विकता बनाए रखिए। अगर आप अपने घर में ऐसा पूजा स्थान रखते हैं तो ऐसे पूजा स्थान में आप जाकर कभी भी बैठें, कभी भी प्रार्थना करें, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मंदिर जैसा वाइब्रेशन, धर्म स्थान जैसा वाइब्रेशन आपको मिलेगा और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।